जय हिंद साथियों, मेरा नाम विजेंद्र चौहान, जय हिंद डिफेंस ग्रुप इंदौर। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो बंदे इंदौर आके तैयारी करना चाहते हैं और वो हॉस्टल को चार्ज अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो बंदे बहुत कम पैसे देके भी इंदौर में आके तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, इंदौर एक सपनों का शहर है जहाँ बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं और तैयारी करके अपना सपना अचीव करके चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम मेरे विद्यार्थी कुछ आए हैं, उनसे हम बात करेंगे तो उनका रूम रेंट कितना है और वो कितना एक महीने का खर्च होता है। तो दोस्तों, आप वीडियो को बने रहे और वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, इनका नाम, आपको नाम बताओ। मेरा नाम ऋषि ठाकुर है, मैं सीवर का रहने वाला हूँ। तो आप एक रूम में कितने लोग रहते हो? अभी हम एक रूम में 3 लोग रहते हैं सर। तो आपका रूम का चार्ज क्या है? रूम का सर 3,000 रुपए का किराया है। और रूम का माहौल कैसा, क्या है, क्या क्या रूम के अंदर? सर, रूम के अंदर किचन है, लेट बाथ सेपरेट है, उसके बाद में 3,000 रुपए किराए के बाद बिजली का बिल अलग आता है। तो एक बंदे को एक महीने में कितना खर्चा होता है? सर, एक बंदे को 1,000 रुपए तो खर्चा हो जाता है रूम का किराया देना रहता है। और सर, 500 रुपए का 500 600 रुपए का अब तक किराने का पूरा सामान आ जाता है और 100 रुपए सर बिजली के बिल के आते हैं। तो ये मान के चले कि एक बंदे का 2,000 रुपए रूम का खर्चा आता है। सर, 1,700 रुपए से ज्यादा नहीं आता, 1,600-1,700 रुपए खर्चा। तो आप तुम बंदों क्या कहना चाहोगे इस वीडियो के माध्यम से कि यदि बंदा जो मतलब बहुत गरीब घर से हो, यदि इंदौर में आकर तैयारी करना चाहे तो कितने रुपए खर्च करके अपना निकाल सकता है टाइम में? देखिए, अगर कोई इंडियन आर्मी की तैयारी इंदौर आके करना चाहता है और वो 5,000, जैसे कि अभी हम 3 लोग रह रहे हैं, तो तीनों लोगों को मिलकर 1,700 रुपए या 1,500-1,700 या ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपए खर्च हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी हॉस्टल में जाते हैं तो आपको वहाँ पे 3-सीटर रूम दिया जाता है, एक रूम में 3 लोगों को रहने के लिए दिया जाता है और एक एक विद्यार्थी से 5,000 रुपए चार्ज किए जाते हैं, तो तीनों को मिलकर 15,000 रुपए। जबकि अगर आप स्वयं ही रहेंगे यहाँ पे, सेल्फ अगर रहेंगे और ग्रुप से तैयारी करेंगे तो आपको 1,700 रुपए तीनों लोगों को आएंगे। इससे आप मतलब ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे आपके और आप आसानी से यहाँ पे रहकर तैयारी भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इन्हें बताया यदि आप इंदौर में आकर तैयारी करना चाहते हो तो एक बंदे का खर्च, यदि खर्च का ऐसा है, यदि आप यहाँ पे रूम देखोगे तो 10-15,000 का रूम भी मिल जाएगा। बाकी इन 3 लोग एक रूम में रहते हैं, 3,000 रूम में, और इनका 5-5 रुपये किराना खर्चा आता है। तो दोस्तों, एक बंदे को आता है 2,000 रुपये खर्चा अपन मान के चलते हैं। और दोस्तों, हम आगे बंदे से बात करते हैं, ये कितने लोग रहते हैं? आप कितने लोग रहते हो? 4 रहते हैं। 5 लोग रहने वाले सिवा ज्वेलर। ये सिवा ज्वेलर के रूम के अंदर क्या क्या है? एक लेट बाथ है और एक किचन। कैसा क्या माहौल है रूम का? अच्छा सर, 4,000 का रूम है, 4,000 रुपये किराया है। क्या मतलब एक महीने कितना खर्चा आता है एक बंदे का? करीबन 1,500। 1,500, 2,000 मांग के जाना पड़ता है। पढ़ाई का कैसा क्या माहौल है? ठीक है, चलो बंद और आगे बंदे मिलाते हैं। लाइट का पूछना था, तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट हो? आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। एक कितने लोग रहते हो? 3 लोग रहते हैं एक रूम में। एक रूम कौन कौन? मैं किराया कितना? 3,000 बिजली अलग से। एक बंदे को कितना आता है एक महीने का? 1,000 रुपये रेंट आता सर और 100 रुपये बिजली बिल आता है। अच्छा, और डाइट और राशन निर्माण आता है। आपको कितना देर रूम? 3 लोग हैं। कितना किराया? किराया 4,000। 1,000 रुपये, 1,200, 1,000 रुपये। तो 11 क्या खर्चा आता है? ये 600 रुपये। इस वीडियो के माध्यम से बंदों क्या कहना चाहोगे जो आर्मी तैयारी करना चाहते हो और इंदौर माना जाता है? क्योंकि हर अकेडमी वाले यही बताता है कि आप हमारे अकेडमी आइए और हमारे हॉस्टल चार्ज ही है। तो जो बंदे हॉस्टल का अफोर्ड नहीं कर पाते, वो बंदे यदि इंदौर में आकर तैयारी करना चाहे, वो भले किसी कोई सी भी अकेडमी में तैयारी करे, तो वो कितना पैसा खर्च करके यहाँ इंदौर में ले सकता है? अगर स्वयं रहे तो 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे दे सकता है एक बंदा। हाँ, एक बंदा। 3,000 रूम पार्टनर मिल जाए तो? रूम पार्टनर मिल जाए तो ये 2,500-2,000 के समथिंग में उसका काम हो जाए, एक मंथ का। तो दोस्तों, आज मैंने मेरे ग्रुप के जो बंदे रूम से रहते हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाया और वो बता रहे हैं कि आप यदि मतलब आपको मीडियम वर्ग से हो और आप ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते पैसे का, तो आप 1,500-2,000, 2,500-3,000 रुपए देके वो इंदौर में अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाया जो इंदौर में आकर तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनको वो वीडियो के माध्यम से ये देखते हैं कि इंदौर में बहुत खर्चा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंदौर में भी यदि आप ये है कि रूम यहाँ पे 1,500-2,000 तक भी सिंगल बंदे के लिए मिल जाता है यदि आप अच्छे से देखते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए बनाया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करके जरूर बताएं।